Serious News, सच का साथी। दम तोड़ती रेहरा बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर सुजाता पांडे का ट्रांसफर होते ही मिला जीवन दान। डॉक्टरों में शामिल है मंशा लाल, जिन्होंने चार्ज संभालते ही रेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बीमार अवस्था को अब फिर से चुस्त दुरुस्त करने के लिए नए प्रभारी डॉक्टर मंशा लाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डॉक्टर सुजाता पांडे के रहते हुए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति थी, वो डॉक्टर मंशा लाल के चार्ज लेते ही बदलती हुई नजर आ रही है। इसको अधिकारियों की हनक कहें या फिर डॉक्टर की तेजी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो जनता के हित में होता नजर आ रहा है, जिससे रेहरा क्षेत्र की जनता को थोड़ी राहत जरूर दिखाई देने लगी है। अब देखना ये है कि ये दम तोड़ती स्वास्थ्य प्रणाली को स्वास्थ्य विभाग कहां तक जीवन दान दे सकता है। वहीं सूत्र बताते हैं कि रेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व में तैनात डॉक्टर सुजीत पांडे कई वर्षों से रेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी के पद पर काबिज रहे। अपनी हनक दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने आप को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी का रिश्तेदार बताते थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ये लोगों में अपनी हनक दिखाने के लिए अपने आप को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का रिश्तेदार बताते रहे, और कई क्षेत्रों में तो व्यक्तिवाद का भी इन्होंने सहारा लिया। यदि कहीं शिकायत भी की गई तो उसको धमका कर माननीयों से अपनी पहुंच बता कर चुप करा दिया, जिसकी वजह से अस्पताल की दिन प्रतिदिन हालत खराब होती चली गई। जब क्षेत्र के लोगों ने दम तोड़ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की रेहरा की इस हालत को देखा तो उन्होंने RTI मांग कर सरकार के पैसे का कितना सदुपयोग हुआ और सरकारी योजनाओं का कितना लाभ लोगों तक पहुंचा, ये जानना चाहा। तो डॉक्टर सुजीत पांडे ने उसका जवाब तक नहीं दिया, जिससे रोगी कल्याण समिति जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार होने की चर्चा क्षेत्र में लोग कर रहे हैं। वहीं अगर सूत्रों की माने तो ट्रांसफर होने के बाद भी डॉक्टर सुजीत पांडे का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेहरा प्रभारी का पद अभी तक चल रहा है। उनका प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ है। अस्पताल को बदहाल करने के बाद भी अभी पूरे दमखम के साथ ट्रांसफर को रुकवाने और फिर से रेहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चार्ज लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, जिससे भ्रष्टाचार का अनोखा प्रेम देखने को मिल रहा है। देखना ये है कि क्या ऐसे अधिकारी न भ्रष्टाचार न गुंडा राज का नारा देने वाले जनप्रतिनिधि और प्रशासन कुछ जनहित में कार्यवाही करेगा, या फिर डॉक्टर के भ्रष्टाचार में सहयोग करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपनों पर भ्रष्टाचार का चश्मा लगाकर जनहित की योजनाओं को बंदर बांट करने में सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों की तैनाती जारी रखी जाएगी। बलरामपुर से शैलेंद्र बाबू की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब आपका क्या नाम है? डॉक्टर मंशा लाल। आपकी नियुक्ति कब हुई वहाँ पे? मैंने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद का चार्ज 30 अगस्त 2000। जब आपने वहाँ पे ज्वाइन किया तो वहाँ पे क्या हाल था? स्थितियाँ साफ सफाई को लेकर के थोड़ी संतोषजनक नहीं थी, और सब चीज़ों को अभी मैं ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके दूसरे दिन ही मेरी 3 दिन की जिले में डेडिकेट लगी थी, और बाकी क्लिनिक से वापस आने के बाद मैंने जो भी आवश्यक सफाई के लिए सारी टेस्ट को दे दिया और साफ सफाई। ABPS News, सच का साथी।